सो आज मैं आया हूँ अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। सो ये कैंपस है आईपीयू का। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कैंपस साइज़ के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, सीट मैट्रिक्स एंड प्लेसमेंट के बारे में। सो जो अखिलेश दास के लिए आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो है वो है कश्मीरी गेट एंड शास्त्री पार्क। तो यार हम बात कर रहे हैं अखिलेश दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में। सो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, EDGITM, और जो इसका फॉर्मली नाम था वो है नॉर्दर्न इंडिया। सो आप जनरली रिक्शे से जाओगे तो यार रिक्शे वाले जनरली अखिलेश दास नहीं पहचानते, तो उनको आपको नॉर्दर्न इंडिया ही बोलना पड़ेगा कॉलेज के बारे में। सो ये जो कॉलेज है ये टायर 3 कॉलेज आता है NIEC दिल्ली में। सो जो ये इंस्टीट्यूशन टाइप है ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है एक। सो ये जो कॉलेज बना था वो बना था 2003 में, और ये जो कॉलेज है जो कोर्सेज ऑफर्ड करता है ये 3 कोर्सेज ऑफर्ड करता है। फर्स्ट वन इज़ BBA, सेकेंड इज़ MBA एंड थर्ड वन इज़ BTech। एंड जो अगर हम इस कैंपस के साइज़ के बारे में बात करें तो जो इसका कैंपस साइज़ है वो है आपका 9 acres का। सो अब लोकेशंस की बात करते हैं, अभी लोकेशन से कहाँ पर है तो जो ये है ये 0 पुस्ता रोड पे है, शास्त्री नगर शाहद्राम के अंदर। तो जो इसके पास का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, मैं तो गया था यहाँ पे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से मैंने रिक्शा लिया, रिक्शे वाले ने मुझे रोड तक उतारा एंड रोड से हार्डली 200 मीटर्स अंदर जाकर ये कॉलेज है। सो ये एफिलेटेड है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। सो यार अब बात आती है इस कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। सो यार सबको अब जेई मेन्स सबने दिया है, जेई मेन्स का रिजल्ट आने वाला है और सबको एडमिशन लेना है। सो सबको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। सो यहाँ पे भी जो एडमिशन का जो प्रोसेस है एज लाइक अदर कॉलेजेस है, जैसे अदर कॉलेजेस में जेई मेन्स की रैंक पे बेस पे आपका एडमिशन होता है, तो वैसे यहाँ पे भी आपका रैंक के बेस पे एडमिशन होता है। सो आपको फर्स्टली 55% PCM में आपके होने चाहिए क्लास 12th में, और आप सब सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, वो ये तो कंपलसरी है ही। एंड जेई मेन्स में आपकी रैंक भी मैटर करती है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। सो जो कैंपस की फैसिलिटीज़ हैं, तो कैंपस में आपको मोस्टली सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। कैंपस भी इनका जो मेरे को लगता है आईपी का मेन कैंपस के बाद इन्हीं का जो कैंपस है वो काफ़ी अच्छा है, दिखने में काफ़ी अच्छा कैंपस बना रखा है इन्होंने, देखने में काफ़ी मस्त लगता है इनका कैंपस भी। सो जो कैंपस में लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, सेंट्रल लाइब्रेरी है इनके पास, इनके दो दो लाइब्रेरी है आई थिंक। सो और इनके पास कैंटीन आपको आपके कॉलेज में मिली जाएगी, मेडिकल केयर भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ऑडिटोरियम आपका है यहाँ पे, वेल इक्विप लैबोरेटरीज़ हैं यहाँ पे, एंड वाईफाई यहाँ पूरे कैंपस में वाईफाई आपको ज़रूर मिलेगा, और वेल मेंटेन यहाँ पे क्लासरूम्स हैं। जैसे अदर नॉर्मली कॉलेजेस में क्लासरूम्स होती हैं, वैसे यहाँ की भी क्लासरूम्स बिल्कुल नॉर्मल क्लासरूम्स हैं। सो अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर, अब जो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, अब मेन जो बात आती है वो आती है फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है कॉलेज का? अब जनरली आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, बीटेक में जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज रिलेटेड टू अदर कोर्सेज। सो जो बीटेक का जो फर्स्ट ईयर में आपको जो फ़ी पे करनी पड़ेगी वो यहाँ पे आपको फी पे करनी पड़ेगी 1,18,000, ठीक है। और उसके बाद जो आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपकी जो फ़ीस है वो सेम रहती है, वो है आपकी 1,13,000 रुपीज़। सो अब दिल्ली के अंदर आप पढ़ रहे हो, दिल्ली के अंदर आप, दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी स्कीम्स प्रोवाइड करती है और स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है जिसका नाम है दिल्ली गवर्नमेंट मेरिट कम फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें आपके कैटेगरीज के वाइज आप क्या कर सकते हो, उसको भर सकते हो, स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और IP यूनिवर्सिटी की खुद की भी स्कॉलरशिप होती है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। मेनली मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ये दिल्ली गवर्नमेंट वाली स्कीम भरना, क्योंकि इसमें जल्दी पैसे भी आ जाते हैं और आपको ज़्यादा इतना कुछ करना नहीं पड़ता। जनरली आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं गवर्नमेंट साइट्स पे, और वो आपको कॉलेज से वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। आफ्टर डेट वो आपका डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, और आपको इंस्टेंट मैसेज भी आ जाता है। और जितनी आपकी फ़ीस भरी जाती है उसमें से जो ट्यूशन फीस है वो लेस हो जाती है, बाकी आपकी पूरी फ़ीस रिफंड हो जाती है। सो ये यार दिल्ली में पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मेरी खुद स्कॉलरशिप आती है हर साल। सो जो अब हम बात करते हैं
कॉलेज की प्लेसमेंट्स के बारे में, कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती है, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं मतलब कौन कौन सी कंपनीज आ रही है कॉलेज में, मेजर मेजर्स कंपनी जो प्लेसमेंट्स में बैठ रही हैं। तो यहाँ पे अमेजोन, इन्फोसिस, APL, अपोलो, न्यूजन सॉफ्टवेयर, IBM, एसेंशियल, सैमसंग, SGL, बायजूस, कॉग्निजेंट, इन्फोटेक, इंडिया मार्ट एंड मैनी मोर्स कंपनीज आ रही हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मतलब कंपनीज आ रही हैं, प्लेसमेंट ठीक ठाक है कॉलेज की। अगर हम बात करते हैं लाइक अदर कॉलेजेस, तो कम कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स है वो एवरेज है, मोस्टली प्लेसमेंट्स हो रही हैं, अच्छी प्लेसमेंट्स हैं यहाँ पे। एज लाइक जितना आप यहाँ पे दे रहे हो उस हिसाब से तो यहाँ की जो प्लेसमेंट्स हैं अच्छी हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ का हाईएस्ट पैकेज कितना गया है यहाँ पे। तो जो हाईएस्ट पैकेज है इस कॉलेज का गया है 19 लाख, और जो एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का वो 3.5 to 4.5 लाख है। तो जो अब हम बात करते हैं कि कितने बच्चे प्लेस हो जाते हैं, ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ वो आपको बीटेक का बता रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, प्लेस हो जाते हैं। एज लाइक मैं यानी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, तो जो मोस्टली है जो CSIT के जो बच्चे हैं वो जनरली यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं, और जो CSIT के जो बच्चे प्लेस होते हैं उनका जो परसेंटेज है वो अराउंड 80% है। अराउंड 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं EC की। EC में जो 60 to 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लेस हो जाते हैं, एंड अदर ब्रांचेस में से जो है परसेंटेज वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें ब्रांचेज और सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो हम बात करते हैं, जब हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम देख लेते हैं इसमें कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कितने बीटेक का जो मेन कोर्सेज यहाँ पे बीटेक के होते हैं, तो जो बीटेक में यहाँ पे आपकी ब्रांचेज आ जाती है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IT, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पे ब्रांचेज आ जाती हैं। तो जो हम बात करते हैं, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होगे आप, तो जो सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ ये मॉर्निंग शिफ्ट की है, मॉर्निंग शिफ्ट में मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग में 120 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 240 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 180 सीट्स हैं, IT के अंदर 240 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 120, मैकेनिकल में 60, आर्टिफिशियल में 60 एंड AI एंड डाटा साइंस में भी यहाँ पे 60 सीट्स आपको 60 सीट्स देखने को मिलेंगी, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे आपको 60 सीट्स देखने को मिलेंगी। तो अब हम बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट की, तो हमने बात कर ली। अब यहाँ पे दो शिफ्ट के अंदर क्लासेस चलती हैं। अब हम आफ्टरनून की बात करते हैं, तो आफ्टरनून में CS और IT और ECE यही तीन ब्रांचेज होती हैं आफ्टरनून में, और तीनों में 60 सीट्स अवेलेबल हैं। तो काफ़ी अच्छा मैट्रिक्स है, कैंपस साइज इतना नहीं है उस हिसाब से, लेकिन सीट्स ठीक हैं। तो अब यहाँ पे भी एडमिशन जो होता है वो आपका JEE मेंस के रैंक के बेस पे होता है। तो जो कट ऑफ आती है, आपको IPU की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आपको IPU की काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको फॉर्म भरने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अंदर IPU जनरली तीन राउंड से निकालता है काउंसलिंग के, फिर उसके बाद स्पोर्ट राउंड होता है। तो हम बात करते हैं थर्ड राउंड की बारी कट ऑफ के बारे में, कि थर्ड राउंड में कितनी कट ऑफ जाती है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ गई है, एज लाइक मैं पिछले साल की बता रहा हूँ आप लोगों को, तो पिछले साल की जो कट ऑफ गई है 1 लाख, जो मिनिमम रैंक गई है वो जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो आप 1,19,905 गई है, तो जो मैक्सिमम रैंक है 9,69,353। लोअर रैंक में भाई कॉलेज बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए यहाँ पे। तो यार अब हम बात करते हैं CS की, तो CS की कितनी कट ऑफ गई है। CS की जो मिनिमम कट ऑफ गई है यहाँ पे गई है 7,66,659 इसकी मिनिमम रैंक है, और जो मैक्सिमम रैंक है इसकी है वो 1,65,801। ये इसकी नहीं, ठीक है। ये शिफ्ट वन की कट ऑफ थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की आपको स्क्रीन पे दिखी रही होगी 2,36,109 एंड 47,70,654 इसकी मिनिमम रैंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की आपको 1,88,685 एंड मैक्सिमम रैंक है 3,07,958। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है 1,21,470
एंड जो इसकी मैक्सिमम रैंक गई है वो 2,15,574। सो यार अगर आपकी कम कट ऑफ आ रही है और आपको कॉलेज नहीं मिल रहा तो यार मैं आपको प्रेफर करूँगा ये आप ये कॉलेज ले सकते हो। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट्स भी ठीक है, प्लेसमेंट्स भी इसकी एवरेज है सबकी। आपने हाईएस्ट पैकेज देखा इनका 18 लाख गया है और अच्छा है, प्लेसमेंट्स इनकी अच्छी है, रैंक कट ऑफ भी ठीक जा रही है। और बाकी हमारे स्किल्स के ऊपर मैटर करता है, इट डजेंट डिपेंड कि हम लोग कॉलेज से ही प्लेसमेंट लें, ठीक है। तो आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए, अब दिल्ली रीजन के लिए मैंने आपको कट ऑफ्स सो यार मैं आउटसाइड दिल्ली की आपको कट ऑफ्स बताता हूँ। आउटसाइड दिल्ली की कट ऑफ्स कितनी गई होगी, सो मेन मैं आपको CSIT और EC की कट ऑफ बता देता हूँ, यही मेन होती है। बाकी तो यार कट ऑफ्स का आप अंदाजा लगाई लोगे, बाकी आपके स्क्रीन पे सब कुछ विजिबल हो रहा होगा। सो जो CS की जो कट ऑफ गई है वो गई है 58,326 मिनिमम, और जो मैक्सिमम गई है वो गई है 80,848। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हम बात कर लेते हैं, उसकी गई है 1,23,214, ठीक है। और जो मैक्सिमम गई है वो 16,69,6984। एंड IT की जो गई है मिनिमम कट ऑफ वो गई है 71,880, और जो मैक्सिमम गई है वो 1,09,74 यहाँ की गई है। तो यार प्लेसमेंट्स जो रैंकिंग है वो काफ़ी ठीक है, ये हो गई शिफ्ट वन की बात, ठीक ही है। सो अब हम बात कर लेते हैं यार कॉलेज लाइफ के बारे में, सबसे मेन होती है कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करी तो यार क्या करा। तो यार यहाँ पे जो कॉलेज लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे जो कैंटीन आपको मिल जाता है वहाँ खाना काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मिलता है खाना। एंड जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं, आप उन स्टॉल से भी क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। अगर आपको कैंटीन का पसंद नहीं आता तो आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे बाहर जाके। तो कॉलेज है इसमें बोथ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने को भी मिल जाएगा। और अटेंडेंस यहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं है, बट आपको 75 अटेंडेंस तो यार एज पर आपको रूल मेंटेन करनी ही पड़ेगी आपको। तो प्लेसेस जो हैंग आउट नियर यहाँ पे जो आसपास का जो प्लेसेस हैं वो इतने अच्छे नहीं है हैंग आउट के लिए, अगर आप हैंग आउट करना चाहते हो तो। कॉलेज के अंदर काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स। सो कोडिंग एनवायरनमेंट भी यहाँ का कॉलेज का काफ़ी अच्छा है, कोडिंग यहाँ पे काफ़ी फेस्ट भी यहाँ पे अच्छे होते हैं, इस कॉलेज का फेस्ट भी अच्छा होता है। यहाँ पे दो लाइब्रेरी है, एक सेंट्रलाइज लाइब्रेरी है और एक और लाइब्रेरी है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन दो लाइब्रेरीज हैं डेट आई एम कन्फर्म। सो लाइब्रेरीज के अंदर काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, सेटिंग एरिया भी अवेलेबल है आपको लाइब्रेरी के अंदर। सो आप यहाँ पे अंदर जाके पढ़ सकते हो। फिर मेन बात आती है यार फैकल्टी की, फैकल्टी कैसी है। सब लोग डरते हैं कि यार फैकल्टी हमें अच्छी मिल जाए, सो जो कॉलेज की फैकल्टी है रियली काफ़ी ज़्यादा गुड है यहाँ की। जो मैंने स्टूडेंट से पता करा, मुझे स्टूडेंट से पता चला, जो फैकल्टीज है वेल क्वालिफाइड है और गुड नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस हैं, और जो फैकल्टीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रेक्टिव है और सपोर्टिव भी हैं। सो यार अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ मनी की, आप कॉलेज को कितना पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो आप टोटल यार अपने BTech में यहाँ पे कॉलेज को जो दे रहे हो, आप दे रहे हो अपना 4.5 लाख के इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, ठीक है। अगर आपका 4.5 लाख आप दे रहे हो, अगर 3.5 अगर आपका एवरेज पैकेज लग जाता है तो आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जितना आप यहाँ पे 4 साल में दे रहे हो उतना एक बार में आप लेके निकल रहे हो, तो यार रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी है यहाँ पे अच्छा है यार अगर आप इतना करते हो। सो हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सो लिस्ट ऑफ सम गुड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली, तो ये काफ़ी जो गुड प्राइवेट कॉलेज में आता है दिल्ली की, एडवांटेज ऑफ डूइंग फ्रॉम दिल्ली। सो यार सब तो यार पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं कॉलेज के, यार मैं कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूँ इस कॉलेज के बारे में। तो जो यार कॉलेज का कैंपस साइज है वो 9 acres है, और जो कॉलेज में सीट्स मैट्रिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यार कॉलेज में क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर IPU कॉलेजेस। सो कॉम्पिटिशन्स जो प्लेसमेंट में हो जाता है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, सो आपको यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए। सो अभी हमने देखा जो अमेजोन ने यहाँ पे इस कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज दिया था 18 लाख, बट यार यहाँ का जो एक ड्रॉबैक है, यहाँ अमेजोन हर साल नहीं आती, अमेजोन एवरी ईयर नहीं आती है यहाँ पे। कॉलेज में कोई भी यार हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यार बच्चा जो भी आता है BTech करने, उसको जनरली यार हॉस्टल चाहिए होता है, जो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हॉस्टल से यार मोस्ट प्रायोरिटी होती है। अगर कॉलेज में मिल जाए तो और ज़्यादा बेस्ट रहता है,
तो यार जो DGITM के अंदर कोई भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, सो कैंपस साइज भी इतना इनफ नहीं है कि जो क्राउड को मेंटेन कर सके। और जो यार इसकी लोकेशन है, रियलिटी मैं भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं खुद परेशान हो गया था। मैं कॉलेज पहुँचते पहुँचते तो जो कॉलेज की लोकेशन है वो इतनी भी अच्छी नहीं है कॉलेज पर्पज़ से, कि यार कॉलेज, अगर आप एक कॉलेज लाइफ इमेजिन कर रहे हो तो यार यहाँ की लोकेशन अच्छी नहीं है। तो यार अब हम बात करते हैं, ये कॉलेज वर्थ है आपके लिए? नहीं है। तो नॉट गेटिंग इन टॉप कॉलेज IITs, अगर आपका IITs, NITs, IITs में टॉप्स, GFTIs में इंडिया के एडमिशन नहीं मिल रहा, या स्टेट टॉप कॉलेजेस लाइक DTU, NSUT, वहाँ पे भी आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, या IP के टॉप कॉलेजेस जैसे महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, इन सब में भी अगर आपको एडमिशन नहीं हो रहा, तो आप इस कॉलेज को या प्रेफर कर सकते हो BTech करने के लिए। प्लेसमेंट्स, वैल्यू ऑफ मनी, कॉलेज लाइफ, फीस स्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटीज़, यार सब चीज़ यहाँ की ओवरऑल गुड है, एंड कॉलेज डेफिनेटली वर्थ फॉर यू। अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा और आप अगर कोई अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो, प्राइवेट कॉलेज ढूंढ रहे हो, तो यार मेरे हिसाब से IP में आपको अखिलेश दास से बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपकी लो रैंक है और आपको कॉलेज चाहिए तो यार कॉलेज काफ़ी अच्छा है, एंड डेट इज़ ऑल। और अगर आपका कोई डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर देने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो यार IP के मेन कैंपस में मैं हूँ, और आप मुझे कभी भी मिल सकते हो वहाँ पे। सो आज के लिए इतना, बाय बाय। रावत बावत ओनो लुका वो कोई।